हेलो एवरीवन, आइए अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हम PLSM यूजिंग R, ये प्रोफेसर सोमे रे, प्रोफेसर हेयर, हल्ट, रिंगल, मार्को, इनकी एक बुक है डेंक्स और सोमे रे। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, स्पिंगर की बुक है, लिंक अवेलेबल है। इस बुक के अंदर अभी तक हम काफ़ी कंसेप्ट इसके डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं पेज 139 पे, जहाँ पे मीडिएशन एनालिसिस गिवन है। मीडिएशन एनालिसिस में सिंपल मीडिएशन, जिसमें एक मीडिएटर है, या सीरियल मीडिएशन, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बार मैंने अपनी पुरानी फाइल ली है, डेमो। क्वालिटी 6 इंडिकेटर हैं, सेटिस्फेक्शन 4 हैं, लॉयल्टी में 5 और इंटेंशन में 6 इंडिकेटर हैं। चारों रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट हैं और इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सीधा बूटस्ट्रैपिंग ही कर देता हूँ, क्योंकि हमें तो मीडिएशन पे काम है, 1000 पे मैंने काम किया है। इन द मीनवाइल ये हमारी फाइल है यहाँ पे, यही डाटा फाइल मैंने अटैच कर ली है। रिक्वायर सेमिनार करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके डिफाइन करना होता है। अगर मुझे काम करना है इस पर्टिकुलर पैकेज में PLSM के अंदर, तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कंपोजिट। और अगर हम काम करते हैं जैसे CVCM के रिजल्ट चाहिए हमें, तो फिर हम दूसरे कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे मेजरमेंट अंडरस्कोर PLS, तो मैंने कर दिया क्वालिटी। क्वालिटी 1 से 6 है, ये 1 to 5 है, 1 to 5, और मोड ए का मतलब है सब रिफ्लेक्टिव है। ये रन हो गया। स्ट्रक्चरल मॉडल बनाते हैं। स्ट्रक्चरल मॉडल अगर आप देखें यहाँ पे, क्वालिटी से हमें यहाँ लिखना होता है फ्रॉम टू। देखिए फ्रॉम टू, तो मैंने लिखा कि क्वालिटी से मेरा जा रहा है सेटिस्फेक्शन पे। इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, फ्रॉम क्वालिटी टू ऑल। ऐसा मैंने लिखा है क्वालिटी टू सेटिस्फेक्शन, एक है। सेटिस्फेक्शन से हमारा जा रहा है फ्रॉम क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन, दोनों पे गया इंटेंशन लॉयल्टी। तो ये टोटल इक्विवेलेंट टू 4 लिखना वाला हो गया। ये क्वालिटी टू इंटेंशन, क्वालिटी टू लॉयल्टी, सेटिस्फेक्शन टू इंटेंशन, सेटिस्फेक्शन टू लॉयल्टी, और लॉयल्टी से इंटेंशन पे, लॉयल्टी से एक ही जा रहा है। ओके, तो देखिए क्वालिटी से टोटल 3 हो गए, एक सेटिस्फेक्शन, 2 इस पे, सेटिस्फेक्शन से 2, इनको इकट्ठा लिखा मैंने, फ्रॉम क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन टू लॉयल्टी इंटेंशन, ये 4 इकट्ठे लिखे, और लॉयल्टी से इंटेंशन। आप कैसे भी करके लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं है, ये काम करेगा। अच्छा, इसको प्लॉट करके जरूर देख लें एक बारी कि हमारा मॉडल ठीक आया या नहीं आया जो हमने बनाया। क्वालिटी से सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी से एक्चुअली 3 एरो बाहर जा रहे हैं, सेटिस्फेक्शन से 2, लॉयल्टी से एक ही एरो है। ठीक है, मेरा डायग्राम ये। आगे चलते हैं। PLSM एस्टिमेट PLS, ये हमारा मेन फंक्शन है। डाटा, ये फाइल नेम यही होनी चाहिए जो आपने यहाँ पे अटैच किया है, एग्जैक्टली सेम नाम होना चाहिए। अगर मैं डेमो लिखता हूँ, यानी ये जो मैंने एनवायरमेंट में कॉल किया हुआ ना, ये जो यहाँ नाम देंगे ये एग्जैक्टली सेम होगा। लेट्स गो अहेड। हमने लिखा डाटा मेजरमेंट PLS, ये वाला जो नाम है इसका, जैसा भी नाम लिखे ये एग्जैक्टली, और इसी तरह से स्ट्रक्चर PLS का जो नाम दे यहाँ पे, और इनर वेट पाथ मॉडलिंग हमने कर दिया। तो इसको भी रन कर दें, और अगर इसको आप आउटपुट देखना चाहें तो प्लॉट करके यहाँ आउटपुट आ जाएगा जूम, तो ये आपके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा। तो मैंने तो अभी सीधा बूटस्ट्रैपिंग किया है, तो बूटस्ट्रैपिंग के अलावा एक बार हम ये करके देख लेते हैं। ये हालांकि हम पहले कर चुके हैं डिस्कस सारा, पर मीडिएशन हमने डिस्कस नहीं किया था, तो मीडिएशन हम देख लेते हैं। तो देखिए क्वालिटी से सेटिस्फेक्शन 0.43, मेरा आ रहा है 0.43, ठीक है। क्वालिटी से लॉयल्टी है 483, क्वालिटी से लॉयल्टी 483, और क्वालिटी से इंटेंशन है 404, 404 एग्जैक्टली सेम आता है। सेटिस्फेक्शन से ये आ रहा है 388 लॉयल्टी पे, सेटिस्फेक्शन लॉयल्टी 388, और सेटिस्फेक्शन से इंटेंशन है 0.042, सो 0.042, और लॉयल्टी का है 0.24, लॉयल्टी से 0.24, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आ रही हैं ये, राइट। इससे हेक्सागन से परेशान मत होइएगा, ये एग्जैक्टली सेम है। तो हम अपनी आते हैं रिपोर्ट के ऊपर, और ये है हमारी PLS डेमो की, हमें चाहिए रिपोर्ट दूसरी वाली। तो एक बार अभी इसमें कुछ नया चेंजेस कर दिया। अच्छा, यहाँ से देख सकते हैं शायद हम रिपोर्ट। सो ओपन पाथ कोफिशेंट, हाँ जी ये पी वैल्यूज वाले हैं। ओके, तो आगे चलते हैं हम।
प्लॉट हमारा हो गया। आउटपुट ये अलग अलग आप देख सकते हैं, वैलिडिटी को देखना है तो देखिए क्विकली डिस्क्रिप्टिव्स में हमारे आ जाते हैं सारे सबके मीन स्कोर, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा। कंस्ट्रक्ट्स का आ गया किसका क्या डिटेल्स है, सबके कोरिलेशन आ गए हर एक का हर एक से, और कंस्ट्रक्ट्स का कोरिलेशन आ गया है। लोडिंग अगर हम करते हैं तो इसकी वो यहाँ पे लोडिंग की वैल्यूज आ जाती है, जो डायग्राम में ये जो वैल्यूज आती है ना ये आ जाती है यहाँ पे लोडिंग से। वेट अगर फॉर्मेटिव यूज़ किया हो, वैलिडिटी तो वैलिडिटी के अंदर हमारा एसटीएमटी, वीआईएफ वैल्यू आ गई, एसटीएमटी आ गई, फॉर्मल लेकर क्राइटेरिया आ गया, क्रॉस लोडिंग्स आ गई, वो सब आ गया। रिलायबिलिटी के अंदर हमारा अल्फा, रो, एवीई, रो ए, ये सब आ गया। पाथ कोफिशियंट में आर स्क्वेयर, एडजस्टेड आर स्क्वेयर और एफ स्क्वेयर, ये सारा आ गया। क्राइटेरिया वगैरह भी आ गया। डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट आप देख सकते हैं। हम अभी बात करते हैं अपने मीडिएशन की, कंस्ट्रक्ट स्कोर निकालना। मीडिएशन में सबसे पहले तो मैं एक बार बूटस्ट्रैप कर देता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इन द मीनवाइल मैं अपनी रिपोर्ट पे आ जाता हूँ। ये रिपोर्ट है मेरी बूटस्ट्रैपिंग की। बूटस्ट्रैपिंग पे बीटी लिखा होता है और यहाँ पीएलएस है, ये स्मार्ट पीएलएस वर्जन 4 की मैं बात कर रहा हूँ। सो ओपन रिपोर्ट, ओके, यहाँ पे बूटस्ट्रैपिंग चल रही है। लेट्स वेट फॉर अ मिनट। जी, बूटस्ट्रैपिंग पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए, बूटस्ट्रैपिंग में मैंने P2 में कर दिया और इसकी पूरी समरी में S2 में ले लेता हूँ। अब S2 में अगर आप देखें तो एक बहुत डिटेल चीज़ें आती हैं इसके अंदर, गिवन है यहाँ पे S2 के अंदर। सबसे पहले तो बूटस्ट्रैपिंग रिजल्ट, ये है हमारे डायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है, हम अभी चेक करेंगे। ये वेट है, फॉर्मेटिव में देखा जाता है वेट। तो लोडिंग समरी, अगर लोडिंग देखनी है सिग्निफिकेंट है या नहीं तो उसके लिए उसकी पी वैल्यूज आ गई हैं। एसटीएमटी की सिग्निफिकेंस वैल्यू वगैरह, टोटल इफेक्ट, ये सारा आ गया। तो इसमें से अगर हम बूटस्ट्रैप पाथ लिखते हैं, ये हमारा आ जाएगा डायरेक्ट इफेक्ट। इस डायरेक्ट इफेक्ट को हम यहाँ चेक कर सकते हैं, ये वही है वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी 2। सिर्फ दो इसमें इनसिग्निफिकेंट है, लॉयल्टी से इंटेंशन और सेटिस्फैक्शन से इंटेंशन। तो सेटिस्फैक्शन से इंटेंशन इनकी यहाँ पे अगर लोअर नेगेटिव हो अपर पॉजिटिव हो, इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, ये इफेक्ट आपका 0 है। इसी तरह से लॉयल्टी से इंटेंशन, ये भी 0 है। सो लॉयल्टी से इंटेंशन, ये भी 0 है, राइट। इनडायरेक्ट इफेक्ट के लिए यहाँ पे आपको एक स्पेशल एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पे प्रोफेसर ने यहाँ दिया है। इसमें अगर आप इसको और आगे देखना चाहें तो यहाँ पर गिवन है। इनडायरेक्ट इफेक्ट के लिए आपको ये लिखना होता है, स्पेसिफिक इफेक्ट दिस, अपने मॉडल का नाम बूटस्ट्रैपिंग वाले मॉडल के, और फ्रॉम, थ्रू, टू, ये तीन चीज लिखना होता है आपने। तो आई नो आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो फिर एक एक करना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ एक एक करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा फ्रॉम क्वालिटी। अच्छा देखिए, ऊपर मैंने P5 कर दिया है, जो बूटस्ट्रैपिंग वाला था, ये मेरा आउटपुट जो था उसमें से। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे इसके बारे में बताओ, फ्रॉम क्वालिटी थ्रू सेटिस्फैक्शन टू इंटेंशन। यानी मैं अपने यहाँ रिजल्ट पे आ जाता हूँ अब, और स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट के ऊपर, फ्रॉम क्वालिटी थ्रू सेटिस्फैक्शन टू इंटेंशन, यह वैल्यू है 0.018। सॉरी, इस पे चलते हैं, रन, ये वैल्यू आ गई 0.0178 और ये नॉट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इनका क्या कहना है, नॉट सिग्निफिकेंट है, ओके। अगर मुझे देखना है क्वालिटी, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, ये सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसको लॉयल्टी। बस आपको ये ध्यान रखना है, इनकी एल छोटा नहीं होना चाहिए, ये एग्जैक्ट होनी चाहिए स्पेलिंग उसका, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। 0.166167 है और ये सिग्निफिकेंट है। तो देखिए, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू बहुत पॉजिटिव है, ये सिग्निफिकेंट है, ओके। सो मीडिएशन हमें यहाँ एक एक करके निकालना पड़ेगा। और फाइनली हमारा केस आता है कि व्हाट अबाउट सीरियल मीडिएशन। तो यहाँ तो एक बहुत अच्छा चीज़ है हमारे पास, स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट, ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देता है। तो जैसे ये है ना सीरियल, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी से इंटेंशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आप थ्रू में एक से ज़्यादा लिख दीजिए और उस पाथ पे लिख दीजिए, जैसे क्वालिटी से सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी और इंटेंशन, इनको लिख के हम करते हैं, ये एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आने चाहिए, 0.0399। तो ये आ रहा है 0.04 और ये नॉट सिग्निफिकेंट है, तो ये भी नॉट सिग्निफिकेंट है। यानी आपके पास
ऑप्शन है यहाँ पे सीरियल, कितना भी कॉम्प्लेक्स मॉडल हो आप उसको कंफर्टेबली रन कर सकते हैं। हाँ थोड़ा सा आपको लिख लिख के एक एक का करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इसमें इशू है, पर फ्री है ये रिमेंबर। तो आप यहाँ पे और सेम ऑथर्स हैं, और इनफैक्ट किसी को भी ये नहीं होना चाहिए कि इसका रेफरेंस क्या दें, तो इसके देखिए रेफरेंसेज इन्होंने अपनी वही टेबल दी है जो जनरली देते हैं। ये ऑथर्स सेम है सारे, कि सबसे पहले आपको सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखना है यहाँ पर, फिर आपको P3 को देखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा का सारा वही रेफरेंसेज हैं। सो दिस वॉज अबाउट हैंडलिंग द मीडिएशन एनालिसिस इन सैम इन आर आर पैकेज। So let's stop here. Thank you.